अब आइए राग भैरव के कुछ अलंकार के दो चार पैटर्न में आपको बताता हूँ। जैसे शुद्ध स्वरों में आपको बचपन में जब आप संगीत सीखना शुरू करते हैं तो बिलावल थाट के, बिलावल राग के पैटर्न आपको कराए जाते हैं, क्योंकि वो गले में आसानी से आते हैं। तो उसी पैटर्न तो सेम रहेंगे, क्योंकि ये भी सात स्वर का राग है। जो भी राग सात स्वरों का राग होगा उसके अलंकार के पैटर्न सेम रहेंगे, सिर्फ कोमल, शुद्ध कोमल, शुद्ध तीव्र कोमल, ये बदलते रहेंगे। सुर बदलेंगे, स्वर बदलेंगे, उसके पैटर्न नहीं बदलेंगे। तो देखिए पहले काले से मैं दो चार पैटर्न आपको अलंकार के भैरवी के बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपने बजाया सारे गामा पधनी सा, ये आरोह आरोह बजाया। इसकी फिंगरिंग तो मैंने आपको बताई है, अब इसको डबल डबल सा सारे रे, हर सुर को दो दो बार बजाना है। इसमें फिंगरिंग चेंज नहीं होगी क्योंकि सेम कीज है। अब इसको तीन बार बजाइए सा 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 रे 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 ग ग ग म म म म प प ध ध ध। चार बार बजाइए, थोड़ी सी लय बढ़ा के मैं बजा रहा हूं। लेकिन एक टाइमिंग में बजाना पड़ेगा आपको, इसलिए मैंने लय एक लिया है। जब भी पैटर्न बजाएं आप एक फिक्स लय में बजाएं। पहले एक बार बजाया, फिर हर कीज को दो दो बार प्रेस किया, फिर तीन बार, फिर चार बार, ठीक है, और एक फिक्स टाइमिंग में। उसके बाद देखिए पैटर्न, आपने देखिए दो स्वर का पैटर्न है, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा, एक एक स्वर आगे बढ़े और एक एक स्वर पीछे छोड़ते जाए, फिर से वापस आएंगे सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। अब इसको कंटिन्यूटी में कैसे बजाएंगे, सा रे रे ग ग म म प प ध ध नी नी सा सा नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा। ये पैटर्न हो गया, फिंगरिंग आपने देखा। अब इसमें क्या करेंगे, ये दो स्वर का पैटर्न था, एक स्वर ऐड कर देंगे, तो अब तीन स्वर का पैटर्न हो, पैटर्न क्या होगा, उसी तरह एक स्वर आगे बढ़े एक स्वर पीछे छोड़े, सा रे ग रे ग म ग म प म प ध प ध नी सा सा नी ध प ध प म प म ग म ग रे ग रे। फिर से देखिए तीन तीन स्वर पैटर्न, फिंगर्स को ध्यान रखिए। अब एक स्वर ऐड कर दिया, चार स्वर का पैटर्न देखिए, सा रे ग म रे ग म प ग म प ध म प ध नी प ध नी सा सा नी ध प नी ध प म प म ग प म ग रे म ग रे सा। तो उसी तरह पांच स्वर, छह स्वर, पांच स्वर का देखिए, प तक जाएंगे, सा रे ग म प रे ग म प ध ग म प ध नी म प ध नी सा सा नी ध प म नी ध प म ग ध प म ग रे प म ग रे। फिर ध तक गए, नी तक गए, ध तक देखिए, सा रे ग म प ध रे ग म प ध नी ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग नी ध प म ग रे ध प म ग रे सा। तो इस तरीके से वक्र स्वर के भी पैटर्न देखिए, सा नी रे। तो वक्र स्वर मैं बता दूं बच्चों, वक्र मीन्स होता है उल्टा,
सारे का उल्टा क्या होगा? रेसा। तो रेसा करे मा ग पा मा ग प नी ध स नी रे सा सारे नी सा ध नी प ध मा प ग मा रे ग सारे नी सा। इस तरीके से कितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 पैटर्न तो आपको, 10 से 15 पैटर्न आपको जो फिक्स पैटर्न है उसको आपको हर राग में, हर राग जो सात स्वर का राग है उसमें आप बजाएंगे तो आपको उस राग में फ्लुएंसी आएगी। फिर इन्हीं अलंकारों से आपको राग विस्तार जब करते हैं बच्चों तो सरगम आप बजाएंगे। सरगम आप जैसे देखिए मैंने धा दिन दिन धा, अब देखिए सरगम कैसे बनता है। सारे गा मा 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 सारे गा मा रे गा रे मा गा मा प गा मा मा गा मा गा रे मा गा रे गा रे सारे नि सा धा नि सा रे गा मा प द म द म प गा मा गा मा गा पा मा प मा गा मा रे गा मा रे गा मा गा मा गा रे सारे गा मा प सा प मा गा मा गा रे सारे गा मा प द। इस तरीके से अलंकार के पैटर्न को हम यूज करते हैं और उससे अलग अलग कॉम्बिनेशन बजाते हैं। आलाप में क्या होता है, यही क्रिया स्लो लय में हो जाती है, खुले लय में, उसमें एक एक लय नहीं होती। जैसे ग म प द प प ध प ध म प ग म ग, स्लो लय कर दिया और एक फ्लो बना रहे हैं। सारे ग म प म म ग म रे रे नी ध सा,